नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले वीडियो में भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 पर अपनी चर्चा की थी। अनुच्छेद 108 पर, और यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त रूप से बैठक। इस बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस बैठक को बुला सकते हैं। अब देखिए, हमने इस पर एक प्रश्न दिया था कि इस बैठक में जो प्रस्ताव होगा वह प्रस्ताव उपस्थित प्रेजेंट और वोट करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा, अर्थात एक तरह से यह सामान्य विधेयक के रूप में यहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित हो जाएगा प्रेजेंट और वोट देने वालों के बहुमत से। अब इसमें एक खास बात थी कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस पर भी हमने बात की थी कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, पर यह बात आर्टिकल 108 में नहीं है। यह बात कहां पर है कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यह बात बताई गई है अनुच्छेद 118 में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न बनता है और प्रश्न है कि जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक के नियम कौन बनाता है। नियम संयुक्त राष्ट्रपति इसके नियम बनाते हैं या फिर लोकसभा के अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं वे इसके नियम बनाते हैं, या फिर राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष मिल के नियम बनाते हैं, यानी एक और दो दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, या फिर एक राष्ट्रपति दो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे कि जो संयुक्त बैठक होती है उस संयुक्त बैठक के नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष मिलकर, या फिर राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर। आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 118 प्रावधान करता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, और जो इसके नियम है वे नियम कौन बनाएगा, ये तीनों मिलकर बनाएंगे, यानी राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नियम तीनों मिलके बनाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श लिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति इस नियम को बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब एक बात हम बात करते हैं अनुच्छेद 120 से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 चर्चा करता है कि जो संसद सदस्य हैं संसद में अपनी बात रखेंगे। तो किस भाषा में बात रखेंगे, प्रश्न है कि संसद के सदस्य अपनी बात संसद में रखेंगे, वे किस भाषा में अपनी बात रखेंगे, हिंदी में, तो जैसे कि आप जानते हैं हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात रखेंगे, या फिर हिंदी अंग्रेजी यानी कि फर्स्ट और अपनी मातृभाषा में, या फिर हिंदी अंग्रेजी और आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें अपनी बात रखेंगे, या फिर आप कह लीजिए हिंदी अंग्रेजी और मातृभाषा और आठवीं अनुसूची की जो भाषा है उसमें अपनी बात रख सकते हैं।
जो संसद के सदस्य हैं वे अपनी बात रखेंगे। इस पर चर्चा की गई है आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग, जो संसद सदस्य हैं वे अपनी बात रख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा में, हिंदी अंग्रेजी और आठवीं अनुसूची में, या फिर हिंदी अंग्रेजी आठवीं अनुसूची की भाषा और अपनी मातृभाषा, सभी में अपनी बात रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 120 है वह कहता है कि संसद सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात रखेंगे और जो सदन के अध्यक्ष है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, अगर इसकी अनुमति देते हैं तो वे अपनी बात किसमें कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 120 में तीन बातें की गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा में वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आठवीं अनुसूची, ये आठवीं अनुसूची जैसी जो भी चर्चा आर्टिकल 120 में नहीं की गई है, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा की सभापति के परमिशन से वे अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख सकते हैं। अब एक प्रश्न मेरे पास आया था, वह आया था, हमने एक दिन बात की थी अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ की। देखिए शपथ की तो प्रश्न ये आया है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जो ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के, देखिए शपथ से संबंधित बात है, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार क्या ये उम्मीदवार भी किसी प्रकार की शपथ लेते हैं, इसके संबंध में एक क्वेश्चन आया था आपके डाउट में। ठीक है, देखिए हमने अभी संसद के संबंध में महत्वपूर्ण जितनी चर्चाएं थी हमारी, हमने वो चर्चाएं कंप्लीट कर ली है, जितनी अभी हमें लगा कि आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हमने अपनी चर्चा की है। अब एक प्रश्न पे चर्चा कर रहा हूं मैं कि क्यों जो शपथ होती है, जैसे कि जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य में हमने चर्चा की थी कि प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति जो है संसद सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके लिए वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, जो कि क्या करता है, संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब बात यह है कि जो उम्मीदवार हैं, संसद में भी उम्मीदवार होते हैं और विधानसभा के, अब यहां पर विधानसभा ले लीजिए, यहां पर संसद भी कर लीजिए कि संसद सदस्य, ये जो उम्मीदवार होते हैं क्या ये उम्मीदवार भी किसी प्रकार की शपथ लेते हैं, और क्या भारत की संविधान की अनुसूची 3 में इसका भी वर्णन कहीं पर किया गया है या नहीं किया गया। अगर आप प्रश्न पूछूं मैं कि प्रश्न मेरा यह है कि राज्य के विधानसभा में चुनाव होने हैं और उस चुनाव के जो उम्मीदवार हैं क्या वे शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 173 का के अकॉर्डिंग या फिर अनुच्छेद 84 का के अकॉर्डिंग या फिर अनुच्छेद 175 का के अकॉर्डिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस टाइप की शपथ का उल्लेख नहीं है। सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात किसी कर रहा हूं, उम्मीदवारों की, क्या उम्मीदवार भी शपथ लेते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ, उम्मीदवार भी शपथ लेते हैं और संविधान के अनुच्छेद 103 के प्रावधानों के अनुसार ये शपथ लेते हैं। और जो शपथ दी गई है, इनकी शपथ किस प्रकार की होगी, इसका वर्णन भारत अनुसूची 3 में किया गया है। तो आप याद रखेंगे, ना केवल चुने जाने के बाद ये शपथ लेते हैं, चुने जाने से पहले उम्मीदवार के रूप में भी शपथ ली जाती है। और विधानसभा के सदस्य अनुच्छेद 173 का के अनुसार, और संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो उम्मीदवार, संसद सदस्य के रूप में उम्मीदवार, संसद के क्या रहते हैं, ये उम्मीदवार जो रहते हैं वे 84 का के अनुसार शपथ लेते हैं। तो संसद के सदस्य 84 का के अकॉर्डिंग और विधानसभा के 173 का के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं, और ये शपथ का वर्णन कहां किया गया है, अनुसूची 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं एक समरी के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे हमने बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है, राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है, इस हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग, महाभियोग। अब यह शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि जो सदन है उसके कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लगता है। यानी कुल जो सदस्य संख्या है कुल सदस्यों के दो तिहाई, तो आप याद रखेंगे। दूसरी बात आती है उपराष्ट्रपति के बारे में, जो बहुत जरूरी फैक्ट हमने अब तक पढ़े हैं, मैं उन्हें यहां पर रिपीट कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति को आपको हटाना है तो इस टाइप की प्रक्रिया का कोई नाम ऐसा महाभियोग नहीं है। इनको कैसे हटाया जाएगा? जो तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, देखिए हटाने की प्रक्रिया के समय इनको कैसे किया जा रहा है, तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से इनको हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को। और तीसरी बात आती है न्यायाधीश की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनको हटाने के लिए ये देखा जाता है कुल का बहुमत, यानी कि 50% से अधिक, और प्रेजेंट और वोट करने वालों का दो तिहाई। यह प्रक्रिया होती है, देखिए कुल का बहुमत और प्रेजेंट और वोट करने वालों का दो तिहाई, यह न्यायाधीश को हटाने के समय उपयोग किया जाता है। साथ ही यह न्यायाधीश के साथ कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के समय भी और यूज किया जाता है। ये संविधान संशोधन जो राज्यों से संबंधित ना हो, ऐसे संशोधन जब संविधान में किए जाते हैं तो वहां पर कुल बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई का उपयोग किया जाता है। और अगर आपातकाल लग रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी यही अपनाया जाता है, यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत और प्रेजेंट और वोट करने वालों का दो तिहाई। तो न्यायाधीश के समय, उपराष्ट्रपति के समय और राष्ट्रपति के समय इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कुछ और चीजें देख लेते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के समय प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत, यहां पर दो तिहाई की जरूरत नहीं होती, प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत जरूरत होती है केवल। इसके आधार पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत मिल गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो सरकार गिर जाती है। और इसी तरीके से विश्वास प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है तो प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत मिल जाएगा तो सरकार बन जाएगी, ठीक। और यही प्रावधान प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत, ये संयुक्त बैठक जो हमने अभी देखा, संयुक्त बैठक में भी यही प्रावधान है, प्रेजेंट और वोट करने वालों को बहुमत से ही ये बनाया जाता है। और एक बात बचती है, जो आर्टिकल हमने कहा था 249 और 312, इसके तहत 349 के तहत राज्य सूची के विषय में राज्यसभा नियम बना सकती है, और 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करती है राज्यसभा। यहाँ पर प्रतिज्ञा प्रस्ताव को पास करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों के दो तिहाई के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित होता है। तो ये 4-5 बातें हैं, इन बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति के समय कुल सदस्यों का दो तिहाई, उपराष्ट्रपति के समय तात्कालिक सदस्यों का बहुमत, न्यायाधीश को हटाने के लिए, कैग को हटाने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुल बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, और प्रेजेंट और वोट करने वालों का दो तिहाई चाहिए, और विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए
प्रेजेंट और वोट करने वालों का बहुमत चाहिए और संयुक्त बैठक के समय भी यही चाहिए। और अनुच्छेद 249 और 312 के तहत राजसूची के विषय और अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए प्रेजेंट और वोट करने वाले दो तिहाई, यहाँ पर केवल राज्यसभा की बात आएगी, यहाँ पर केवल राज्यसभा होगा, राज्यसभा में इसको पास करना पड़ता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय के संबंध में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जहां पर एग्जामिनर हमें गलत कराने की कोशिश करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। धन्यवाद।